everyone, welcome back to my YouTube channel. Myself Anuj Singh, second MBBS professional student at Govan Medical College Badayun. So guys, आज का ये video basically होने वाला है boys hostel tour. तो मैं आज आपको अपना room दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने चीज़ें arrange की हैं and कौन कौन सी चीज़ें हमें मिलती हैं यहाँ पर. एंड मैं आपको बालकनी का व्यू भी दिखाऊंगा और क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ सकती हैं वो भी आपको बताऊंगा थोड़ा बहुत. आप में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और जिसने भी नहीं किया है गाइस, अभी तुरंत कर लो, दो सेकंड का वेट कर रहा हूँ. ठीक है गाइस, तो बस स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरा सब कुछ पता चले अच्छे से कि क्या क्या यहाँ पर आपको मिलता है, क्या क्या आपको खुद का लेना पड़ता है और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो. सो गाइस, दिस इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ बॉयज़ हॉस्टल ऑफ GMC बतायूँ. इसके अगल बगल जस्ट बाइक खड़ी होती हैं एंड हॉस्टल के जस्ट सामने ही ये ग्राउंड है जहाँ पर मोस्टली वॉलीबॉल खेलते हैं हम लोग. और यहाँ से जस्ट एंटर करते ही हमारा जो राइट साइड में है वो है पूरा डाइनिंग एरिया और लेफ्ट साइड में हमारे सीनियर्स का विंग है 19 और 20 बैच. सो इधर ये पूरा डाइनिंग एरिया आपको अभी जस्ट दिख रहा है. तो इधर ये जो राइट साइड में पूरा टेबल्स एंड चेयर्स हैं, यहाँ पर हम बैठ के खाना खाते हैं, पूरा डाइनिंग एरिया. और इधर हमें खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. एंड दिस इज़ माई रूम, डैट इज़ रूम नंबर 3. तो ये कॉर्नर में जो आपको पेंटिंग दिख रही हैं, इसमें से मैंने कुछ बनाई हैं और कुछ मैंने प्रिंट करवाई हैं. एंड ये जो इधर वाली वॉल है ये मेरी फेवरेट वॉल है और ये मैंने बेसिकली फ्लिपकार्ट से मंगाई हुई चीज़ें इसमें काफ़ी यूज़ की हैं. लाइक जो आपको मोटिवेशनल कोड दिख रहे हैं वो मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाए थे और लिंक मैं दोनों का ही डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. ये है मेरी टेबल और इसमें ये है छोटू सा मेरा मनी प्लांट जो कि अब काफ़ी बड़ा हो गया है, 1 साल हो गया इसको अप्रॉक्सीमेटली. और ये हैं हमारी ग्लास बॉटल्स छोटी छोटी जो कि मैंने डेकोरेट की थी, मतलब मुझे पसंद है थोड़ा सा आर्ट एंड क्राफ्ट करना. और इधर ये जो 3 पोस्टर्स हैं ये बेसिकली मैं एम्स दिल्ली जब गया था तब लाया था. और ये है हमारी सेकंड ईयर की बुक्स, बहुत सारी हैं आई नो. एंड इसमें कुछ थर्ड ईयर की बुक्स भी हैं. एंड इसके जस्ट बगल में ये है मेरे रूममेट का टेबल जहाँ पर बहुत सारी आपको बुक्स दिख रही हैं. एंड इधर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्योंकि हमारा पूरा सामान रूम का यहीं रखा हुआ है एंड डैट्स द रीज़न कि हमारा रूम इतना खाली क्यों है. और ये हेक्सागन शेप के मैंने ये मंगाए थे फ्लिपकार्ट से मिरर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. इधर ये मेरी विंडो और जो दरवाज़ा है वो बेसिकली हमारा बालकनी की तरफ खुलता है. एंड इधर ये है पूरा मेरा बेड एरिया जिसमें कि हमें एक पिलो, एक मैट्रेस और एक बेड हमें हॉस्टल की तरफ से मिलता है. बाकी हमें सब कुछ अपना यूज़ करना पड़ता है. ये जो स्टडी टेबल था ये मैंने खुद लिया था फ्लिपकार्ट से, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. और इधर ये एक छोटा सा फुट मैट और वो फ्लावर पॉट जो है वो बेसिकली मैंने ख़रीदा था पिछले साल न्यू ईयर पे. और एक टेबल और एक चेयर भी हमें मिलता है पर हेड. एंड इसके जस्ट बगल में ये मेरे रूममेट का बेड है. तो ये मैं लाया था बेसिकली कानपुर से स्टे पॉजिटिव. एंड अब देखते हैं अलमीरा के अंदर का पूरा व्यू. आई नो इट्स नॉट वेल, ठीक है जैसा भी है देख लो आप लोग. एंड अभी चलते हैं बालकनी की ओर. सो बालकनी बेसिकली ये व्यू बहुत ही मस्त लगता है मुझे. जब भी मुझे थोड़ा सा यू नो पीस रिलैक्सेशन चाहिए होता है मैं यहीं आ जाता हूँ, मतलब बहुत मज़ा आता है. पूरा ग्रीन ग्रीन दिखता है. एंड इधर ये कूलर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट द रूम टूर एंड हॉस्टल टूर ऑफ GMC बतायूँ. सो मोस्टली चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की. एंड अभी भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे को आप DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे. और गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. इसी तरह से आगे भी मैं लाता रहूँगा चीज़ें आपके लिए. और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड बाय बाय.